नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज लीवर में होने वाली गांठ के बारे में। दोस्तों, वैसे तो लीवर में गांठ होना बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है। 100 में से 10% लोगों को लीवर में गांठ देखने के लिए मिलती है। अभी हाल में ही कुछ ऐसे पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जिन लोगों के लीवर में गांठ हुई है और उनको काफ़ी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब लीवर में गांठ हो जाती है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या परेशानियां हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी लीवर में किसी को गांठ होती है, ऐसे लोगों की पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है। ऐसे लोगों को पेट हमेशा भरा भरा जैसा लगता है, पेट फूला फूला लगता है, पेट में पानी भर जाता है और ऐसे लोगों को हमेशा घबराहट होने लगती है। जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो कई बार उल्टी होना, बार बार उल्टियां होते रहना या फिर पेट साफ ना होने की समस्या होना या फिर पेट डायरिया जैसी चीज होना, बार बार दस्त लगना, बार बार पेट फूलना, इस तरह की परेशानियां बार बार देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, वैसे तो लीवर में गांठ होने की बहुत से कारण हैं। इनमें से जो मुख्य कारण है वो है हमारी जीवन शैली। मनुष्य की बनाई हुई मशीनों को भी हमको केयर करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, सर्विस करना होता है। और हमारा शरीर भगवान के द्वारा बनाई हुई मशीन है। भगवान बोलता है कि आपकी जीवन शैली निर्धारित करेगी कि आपका शरीर और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, समझदार लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लीवर की परेशानी, लीवर के रोग निर्धारित होते हैं हमारे जीवन शैली पर। लीवर में अगर गांठ हो रही है तो उसका मुख्य कारण होता है एल्कोहल, ज़्यादा प्रोटीन। जो लोग वे प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, मांस का इंटेक ज़्यादा करते हैं, फाइबर फूड कम लेते हैं, फैट की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ऑयली चीज़ें जैसे कि तेल मसाला की चीज़ें ज़्यादा लेना, ये सब कारण लीवर में गांठ होने का कारण होता है। इनमें मुख्यतः एक कारण और सबसे ज़्यादा बताया गया है, वो है एल्कोहल। जो लोग एल्कोहल ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के लीवर में सूजन होना, लीवर सोरायसिस की तरफ जाना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी प्रॉब्लम्स होना, ये सब शुरुआत होती है लीवर में गांठ होने की। कई लोग बहुत समय तक भूखे रहते हैं, खाना ही नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के कारण भी लीवर में हेपेटाइटिस बी और सी होने के चांसेस बन जाते हैं, उसके बाद लीवर में गांठ होने के भी चांसेस बन जाते हैं। कई लोग ओनली नॉनवेज ही नॉनवेज खाते हैं। जिन लोगों के भोजन में अधिक नॉनवेज है, ऐसे लोगों के लीवर में सूजन होना या फैटी लीवर हो जाना या फिर जलोदर रोग हो जाना या फिर लीवर में गांठ हो जाना। कुछ लोग खान पान ज़्यादा करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। जिन लोगों के जीवन में आलस ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों के जीवन में भी लीवर के रोग या लीवर में गांठ देखी गई है। हमारा शरीर ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगता है दोस्तों, हल्का खाना और थोड़ी देर की वर्जिश। अगर आप अपने शरीर में कुछ समय दे देते हैं, अपने शरीर के लिए अगर आप 1 घंटा निकाल लेते हैं, तो आपको कभी भी अपने ऑर्गन्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे शरीर के अंगों को लेकर हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने भोजन में ध्यान देते हैं, लाइट भोजन खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, ज़्यादा हैवी भोजन पे नहीं रहते हैं, ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा विटामिन्स का यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा ह्यूमन मेड जो विटामिन है, मतलब आप कई लोग मल्टी विटामिन्स खाते हैं, ताकत की दवाइयाँ खाते हैं, पतला मोटा करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, ज़्यादा हैवी वे प्रोटीन लेते हैं या शरीर को पतला मोटा करने वाले स्टेरॉइड्स लेते हैं, ये सब जो रोग पैदा करने वाली दवाइयाँ हैं, इन सब रोग अगर आपको लक्षण लगते हैं कि आपके शरीर में आपको बेचैनी लगती है, घबराहट लगती है, खाना खाने के बाद आपको उल्टियाँ महसूस होती हैं या खाना खाने के बाद आपका पेट फूला रहता है, भरा भरा रहता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी दिनचर्या में या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपके लीवर को सूट नहीं कर रहा है। आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा लीवर के रोग हो रहे हैं वो हो रहे हैं स्टेरॉइड्स के कारण, वे प्रोटीन के कारण, नॉन वेज के कारण और एल्कोहल के कारण।
अगर आप अपने ऑर्गन्स को लंबा चलाना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहते हैं, तो समय निकालिए, क्योंकि जो समय आप आज नहीं निकाल रहे हो, यही समय आपको हॉस्पिटल में आगे चल के निकालना पड़ेगा। वही समय आप हॉस्पिटल में देंगे अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर। सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारी बॉडी 40 साल के बाद रिएक्ट करना कम कर देती है, मतलब हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो थोड़ा ढलने लगते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी ढलने लगती है। 45 साल के बाद हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी रहती है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है, तो हमको केयर करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना होता है वो हमारे लीवर को ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, और उसके काम करने पर दूसरे ऑर्गन डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गन उसके सुचारू रूप चलने से ठीक होते। क्योंकि अगर आपको एक बार लीवर की प्रॉब्लम पकड़ ली, तो आपको शुगर की बीमारी, बीपी की परेशानी और भी तरह के रोग, कई प्रकार के रोग आपको घेर लेंगे और आप इनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो लीवर की गांठ को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली को सुधारें, और जीवन शैली को सुधारने के बाद फिर आप कुछ अपनी कंडीशन के द्वारा प्रयोग करें। दोस्तों अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि इसमें क्या दवाइयाँ यूज़ की जाए, इसकी केयरिंग क्या की जाए। सबसे पहले इसमें डिपेंड करता है कि आप अल्कोहल अगर करते हैं तो आपको अल्कोहल धीरे धीरे करके पूरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको गांठ है और आप अल्कोहल कर रहे हैं, या आपको किसी भी प्रकार की लीवर की प्रॉब्लम है और आप अल्कोहलिक हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की लीवर केयर की दवा ले लें, आप अपने लीवर को ठीक नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली को सुधारना है, खान पान को बिल्कुल हल्का करना है, हैवी प्रोटीन को बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है, एनिमल प्रोटीन, कि हमारे लीवर को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, उससे सबसे ज़्यादा विषैले पदार्थ होते हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स और सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड नॉन वेज खाने के बाद ही निकलता है। तो सबसे पहले आप हैवी भोजन को बंद कर दीजिए, लाइट खाना पे आ जाइए, बेज बन जाइए, जूस पे रहिए, हल्की वेजिटेबल्स पे रहिए, फाइबर पे रहिए, और हल्के हल्के जो खाने होते हैं उन पे आप डिपेंड हो जाइए। थोड़ा सा समय व्यायाम के लिए निकालिए, थोड़ा सा समय वॉकिंग के लिए निकालिए, दिमाग को खुश रखिए, क्योंकि मानसिक परेशानी से भी हमारा लीवर कमज़ोर होता है। दोस्तों मैंने एक चीज़ और देखी है कि जिन लोगों के परिवार में लीवर के रोग होते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में लीवर की गांठ होना या लीवर के रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन लोगों को बार बार पीलिया होता है या जिन लोगों को बार बार लीवर पे सूजन आ जाती है, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि लीवर पे गांठ हुई है। लीवर पे अगर आपको गांठ है तो आपको लीवर पे सूजन भी होगी और लीवर आपका फैटी भी होगा। तो सबसे पहले आप फैटी खाना बंद कर दीजिए, एनिमल फूड को खाना बंद कर दीजिए, एग, नॉन वेज, जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ को मना कर दिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अंडा तो बेज में आता है, तो ये सब चीज़ें मत करिए, आप समझिए। अगर डिटेल में जाएंगे तो दूध भी एक नॉन वेजिटेरियन चीज़ है, लेकिन ये बहुत डिटेल और बहस का सब्जेक्ट है, हम ये सब बातें नहीं करेंगे। मैं एनिमल फूड बोल रहा हूँ, जो हमें एनिमल से, जानवरों से प्राप्त होता है जो भोजन, वो हमको नहीं लेना है लीवर के रोगों में। दोस्तों अब हम चलते हैं कि आयुर्वेद की मदद से हम क्या करें जिससे हमारा लीवर की गांठें में आराम मिल जाए, ठीक हो जाए, और लीवर के दूसरे रोगों में भी आराम मिल जाए। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको गर्म चीज़ों का सेवन तुरंत बंद करना है। एक पेड़ होता है रोहिणा का, रोहिणा की छाल का अर्क या उसका सत्र निकाल के आपको यूज़ करना है सुबह शाम खाली पेट। लीवर कैंसर में, लीवर की गांठ में, लीवर के सोरायसिस में, पीलिया रोग में रोहिणा जैसी कोई दवा नहीं है, लेकिन इस पेड़ की अब कमी बहुत हो गई है, यह पेड़ हर जगह नहीं मिल पाता है। तो इसका अगर आपका यूज करते हैं रेगुलर, तो आपको कुछ समय बाद आपको अच्छा आराम मिल जाएगा। अगर आपको लीवर में गांठ हो गई है तो सफ़ेद कचनार के फूलों को आप मसल कर सुबह शाम दोपहर खाली पेट उपयोग करते हैं तो लीवर में और लीवर की गांठ के रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लीवर जब सोरायसिस हो जाता है, लीवर में जब गांठें हो जाती हैं, तो कचनार की छाल और कचनार की गोलियां हमको उतना सूट नहीं करती है। बहुत लोगों को उल्टियां होने लगती हैं, बहुत लोगों का पेट फूलने लगता है, इसलिए कचनार की छाल की जगह पर हम इसमें कचनार के फूलों का सेवन करवाते हैं। इसके बाद आप यूज़ करिए कासनी का रस। अगर आप कासनी का रस यूज़ करते हैं तो आपको लीवर में जो कमज़ोर हुआ है, लीवर में जो पित्त बढ़ा हुआ है, लीवर में जो गांठ हुई है, उसमें धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा।
इसके बाद दोस्तों हम लीवर के लिए यूज करते हैं गिलोय का रस, ताजी गिलोय। दोस्तों रखी हुई गिलोय या सूखी गिलोय का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ताजी गिलोय का रस अगर आप 1 ml से 2 ml धीरे धीरे करके अगर 5 से 10 ml तक जाते हैं तो भी आप लीवर की गांठ को ठीक करने में और लीवर के रोगों को जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, पीलिया, इन सब रोगों में आप बिल्कुल आराम मिल सकते हैं। आयुर्वेद में एक जिक्र आता है कमला रोग। कमला रोग भी एक लीवर का रोग है जिसमें हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, ब्लड बनाना कम कर देता है, लीवर पे सूजन हो जाती है। जो आज हम लीवर एलएफटी करवाते हैं जिसमें आता है एसजीओटी जो रिपोर्ट आती है वो बड़ी हुई आती है, तो वो होती है कमला रोग, मतलब लीवर पे सूजन। अगर आपके लीवर में सूजन है तो आप समझ जाइए कि आपको अब लाइट खाना खाना शुरू करना है, हल्के हल्के जूस पर रहना है और थोड़ी सी वर्जिश वॉक को शुरू करना है, मिर्च मसाले टोटली बंद करना है। दोस्तों लीवर के रोगों में अगर आप एल्कोहल और मिर्च मसाले और एनिमल फूड लेते हैं तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसको ठीक करने के लिए आप लाइट से लाइट फूड करिए, जो मैं मना कर रहा हूँ वो सब चीज़ों का यूज़ नहीं करिए। दोस्तों लीवर के रोग अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिनचर्या अपनी सुधारना होगी, रेस्ट इसमें ज़्यादा मांगता है, लीवर को भी आराम देना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप खाते रहें, खाने पे खाना और खाने के बाद खाना, खाने के पहले खाना, लेटरिंग जाने के पहले खाना और लेटरिंग से आने के बाद खाना, ऐसा ना करें। ये सब भी लीवर के रोगों को बढ़ाने वाले सिम्टम होते, आदतें होती हैं, इन आदतों को आप सुधारें। इसके बाद दोस्तों आता है पुनर्वा रस। पुनर्वा की जड़ का रस अगर आप यूज़ करते हैं तो चाहे जैसे लीवर की सूजन और गांठ हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों वैसे तो लीवर के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन मैंने जो आप यूज कर सकते हैं वो दवाइयां बताई हैं। मैं रस रसायन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता हूं क्योंकि लोग फिर पूछते हैं, उनको हर कोई बना नहीं सकता है, केवल वैद्य लोग ही बनाते हैं, इसलिए मैं रस रसायन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब मैंने वो दवाइयाँ बताई हैं जो आप मार्केट से लेके यूज़ कर सकते हैं या खुद निकाल कर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें दोस्तों तुलसी का रस बहुत अच्छा काम करता है, इसमें किशमिश बहुत अच्छी काम करती है, इसमें पिस्ता बहुत अच्छा काम करता है, इसमें अनार का रस बहुत अच्छा काम करता है, इसमें घृतकुमारी बहुत अच्छा काम करता है, इसमें पालक का रस भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करें। परहेज जरूरी है, बिना परहेज के आप लीवर की गांठ को ठीक कर नहीं सकते हैं। लीवर की गांठ अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है या आपको प्रॉब्लम बढ़ गई है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। लीवर की गांठ को ठीक करने का जो डॉक्टर के पास या जो एलोपैथी में जो इलाज है वो है ऑपरेशन, या फिर उस एरिया को जला दिया जाता है, उस एरिया को गांठ को जला के उसको निकाल दिया जाता है, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। दोस्तों ये सब कंडीशन में पहुंचने से अच्छा मैं बोलूँगा कि लीवर को आप स्वयं ठीक कर लें, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ठीक कर लें तो बेहतर है। लीवर ट्रांसप्लांट आसानी से करने वाली चीज़ नहीं है, पैसा भी बहुत चाहिए और डोनर भी चाहिए और बहुत अच्छी आपकी भी कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन में ये सब चीज़ें हो पाती हैं। लीवर की गांठ से रिलेटेड या लीवर की प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें, व्हाट्सएप पे चैट करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। थैंक यू दोस्तों।